झज्जर पहुंचे G20 डेलीगेट्स, चार बसों में 120 प्रतिनिधि पहुंचे गए। प्रतापगढ़ फार्म पर तिलक किया गया, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, G20 डेलीगेट्स पहुंच गए हैं झज्जर, चार बसों में पहुंचे गए। और खास बात आपको ये बता दें कि हरियाणवी संस्कृति के रंग यहां नजर आए, तिलक लगाकर किया गया स्वागत। हरियाणवी परिधानों में सजी हुई महिलाओं ने इनका स्वागत किया है, तिलक लगाकर स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप देखें, और इस बार G20 में हरियाणवी संस्कृति के अनोखी छाप देखने को मिल रही है। तो G20 में हरियाणा मेजबानी कर रहा है झज्जर में, और आपको बता दें कि प्रतापगढ़ फार्म पर हरियाणवी संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखाते गए और तस्वीरें आप देखिए, दो घंटे तक फार्म में रुकेंगे G20 प्रतिनिधि किस तरह से पहुंचे हैं बसों में सवार होकर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंधों के साथ साथ आम लोगों के लिए आज प्रतापगढ़ फार्म को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर G20 की बैठक होगी और दो घंटे फार्म में रुकेंगे G20 प्रतिनिधि। आपको ये भी बता दें कि तीन दिन तक भ्रष्टाचार पर चर्चा गुरुग्राम में हुई, और अब झज्जर प्रतापगढ़ फार्म पर ये महत्वपूर्ण आयोजन। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह हरियाणवी संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस बार? तो यू लग रहा है कि G20 में हरियाणवी संस्कृति मानो छा गई है। बिल्कुल, हरियाणवी संस्कृति G20 में छा चुकी है, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए G20 डेलीगेट को आज झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म लाया गया है। यहाँ पर तिलक लगाकर सभी मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया है। सभी मेहमान झज्जर पहुंच चुके हैं चार बसों में सवार होकर। 120 जो फॉरेन डेलीगेट्स है वो यहाँ पर आए हैं G20 समिट में शामिल होने के लिए। ये विदेशी मेहमान आए थे गुड़गांव में, ये समिट चली है, आज आखिरी दिन है इन मेहमानों का हमारे देश में। तो हरियाणवी संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सरकार ने आज आयोजन रखा है, और यहाँ पर हरियाणवी वेशभूषा, हरियाणवी परिधान, हरियाणवी खान पान, हरियाणवी जो पशुपालन है, हरियाणवी खेती है, उन सभी चीजों से इन्हें अवगत करवाया जाएगा। हरियाणा का इतिहास कैसा रहा है और मौजूदा हरियाणा की झलक कैसी है, उन सभी चीजों से आज विदेशी मेहमानों का खातिरदारी की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इनकी खातिरदारी के बेहतर जो बंदोबस्त है वो कई दिन से ही लगातार तैयारियां जोरों पर थी। आज जो है विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ा पलंग बनाया गया है जिस पर विदेशी मेहमान जो उसे देख सकेंगे। बड़ा द्वार सजाया गया है जिस पर एक घंटी भी लगाई गई है, ये दिखाने के लिए कि हरियाणवी संस्कृति कैसी है, गाँव में कैसे आज भी लोग रह रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ मेल जोल बनाकर रहते हैं, किस तरीके से भाईचारे के साथ वो रहते हैं। ये सभी चीजें इन विदेशी मेहमानों को आज दिखाई जा रही है, उनसे रूबरू करवाया जा रहा है, क्योंकि लगातार तीन दिन से G20 डेलीगेट जो है गुड़गांव देख रहे थे। गुड़गांव में कारपोरेट ऑफिसेज हैं, आधुनिकता की झलक हरियाणा की दिखाई देती है, तो गरीब ग्रामीण परिवेश कैसा है उससे अवगत करवाने के लिए आज फॉरेन डेलीगेट को यहाँ पर लाया गया है। G20 डेलीगेट पहुंच चुका है जो फिलहाल हरियाणवी संस्कृति से रूबरू हो रहा है।